के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, जिंदगानी लाखों की बनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा। पहले प्योर है ना, और सन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो प्योर स्टेज हो गई ना, तो अभी इम्प्योर स्टेज है, फिर हमको प्योर स्टेज पकड़नी है। बाकी आई एम दैट नॉट सुप्रीम सोल, नहीं, आई एम दैट मीन्स, और हम सो का भी अर्थ है कि हम सो का मतलब ये नहीं आई एम सो सुप्रीम सोल, नॉट, आई एम सो प्योर सोल, दैट आई एम फर्स्ट प्योर। तो इसीलिए अपनी बुद्धि को अपनी प्योर स्टेज पर रख कर करके, और फिर हम सन ऑफ सुप्रीम सोल, ये बुद्धि की स्थिति हर वक्त बनाने का प्रयत्न रखना, उससे हमारा हर एक्शन में हमारा प्योर एक्शन चलेगा, क्योंकि आई एम फर्स्ट प्योर ना, तो अपनी दैट बुद्धि उसमें रखते हैं कि आई एम प्योर सोल और असल प्योर है और सन ऑफ सुप्रीम सोल बाप। तो इसी तरह से याद में रहने से फिर हमारा एक्शंस भी प्योर रहेगा कि आई एम प्योर सोल नॉट इम्प्योर, तो ये ख्याल रहने से हमारी एक्शंस में संभलेंगे जल्दी, कोई रॉन्ग एक्शंस नहीं होगा। और जो भी देखते हैं तो ये भी तो सोल है, ये भी तो फर्स्ट प्योर है, लेकिन अब यहाँ से कोई इम्प्योरिटी की किसी से भी एक्शन होगा, मानो हमसे किसी ने पूछा दो गाली करी या कोई ऐसी बात करी, तो भले उसकी इनप्योर एक्शन है पर तो हम समझते हैं तो फर्स्ट प्योर, पर तो ये जानता नहीं है बेचारा जानता नहीं है, वो आई ना बेचारा जानता नहीं है, तो इनको पता दे दे इसमें इसने कहा तो उसे हम थोड़े या इसने कहा तो हम भी इम्प्योर से साथ इम्प्योर हो जाए, नहीं, हम अपनी प्योरिटी स्टेज नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नहीं इसके कारण हम भी इम्प्योर एक्शन में आ जाएं, नहीं, इसने क्या रहा इस बेचारे को पता नहीं, इसको पता देना चाहिए कि नहीं इसे तुम्हारे अगर दे सकते हैं उस पर हम चला सकते हैं, देखते हैं देने का है, अगर समझे नहीं और ही उसको हमारा कहना या कुछ भी, तो चलो हम तो अपने स्टेज पर रहे, परंतु फर्ज है कि उनको भी प्यार से ढंग से अगर हम उसी स्थिति में होंगे तो उसको असर बैठेगा, अगर हम अपने उस पोजिशन पर होंगे ना तो वो पोजिशन उसको पकड़ाएंगी, नहीं वो समझेगा वो सुनेगा। तो ये सभी चीजें हैं जिसमें हमको अपनी स्टेज वो प्योर, आई एम फर्स्ट प्योर, तो अभी हमें प्योर, तो प्योर याद रखने से फिर हमारा एक्शन प्योर रहेगा, नहीं तो फिर बॉडी कॉन्शियस होने से फिर इम्प्योरिटी, तो इम्प्योरिटी की एक्शन आदि जो भी काम लोग वो आदि पाजो विकारों का पकड़ाव हो जाता है, नहीं तो उससे हम छूटे रहते हैं ना। तो ये है युक्ति और प्रैक्टिकल अपनी स्टेज की धारणा जिससे हम अपने को आगे बढ़ा सकते। तो अभी ये अभ्यास अपना हर वक्त रखने का, ये ऐसी चीज नहीं है किसी समय कोई खास बैठ कर करके करना, ये भी कहीं निष्ठा में बिठाया जाता है ना, तो जब तक कच्ची अवस्था है यानी अभी कच्चे है, कच्चे का मतलब है अभी पहली है स्टेज, तभी भाई उनको जरा प्रैक्टिस बैठ जाए, रस बैठ जाए, परंतु वास्तव करके नहीं तो बिठाने की दरकार नहीं है, ये तो चलते फिरते खाते पीते अपना रखने का, परंतु उसको टेस्ट जरा बिठाने की और उसको जरा प्रैक्टिस का इसीलिए बिठा भी लेते हैं, परंतु नहीं तो वास्तव करके उनकी दरकार नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं है, जरूरत तो बस समझा आई एम प्योर सोल सन ऑफ सुप्रीम सोल, बस उसी में स्थित रहना है और उसी स्थिति से अपना कामकाज करते, जो काम कामकाज क्या करेगा जरूरी करेगा, ऐसा जो होगा स्थिति वाला वो जो अपना जरूरी है, तो अपना शरीर निर्वाह का अथवा दूसरे के ब्याह
बनाने का, उनको भी अपनी स्टेज में लाने का, बस उसी से वही काम होगा। वो कोई इम्प्योर एक्शन फिर नहीं होगा, होगा ही नहीं, पता रहेगा नहीं आई एम हम क्या है। तो ये रहने से, तो ये है अपनी स्मृति याद, तो अपनी भी याद और अपना बाकी भी याद। रत्न लुटाई तूने, सौभाग्य जगाई तूने, रत्न लुटाई तूने, सौभाग्य जगाई तूने।